विरोध में सामने आया ओवैसी की पार्टी के वारिस पठान का भड़काऊ भाषण का 100 करोड़ पर भारी पड़ेंगे 15 करोड़ लोग। 15 करोड़ है मगर 100 के ऊपर भारी है, याद रख लेना ये बात। 15 करोड़ है मगर 100 के ऊपर भारी है, याद रख लेना ये बात। वारिस पठान का बयान सामने आने के बाद सुलगी सियासत, बीजेपी ने ओवैसी और उनकी पार्टी के नेताओं को घेरा। कल दिल्ली जाएंगे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, पीएम मोदी और सोनिया गांधी से करेंगे मुलाकात। नागपुर की कोर्ट में पेश हुए महाराष्ट्र के पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस, अधूरे चुनावी हलफनामे में मामले में मिली है जमानत। अशोक चौहान का बड़ा बयान, कहा सीएए और एनआरसी पर शिवसेना का स्टैंड अब तक साफ नहीं, कांग्रेस हमेशा विरोध करती रही है। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में नागरिकता कानून अनोखा विरोध किया गया, प्रदर्शनकारियों ने किया रक्तदान। संजय निरुपम का पुराना राग, राहुल गांधी अध्यक्ष पद के लिए बेस्ट उम्मीदवार हैं, कांग्रेस को वही बचा सकते हैं। निरुपम ने कहा गांधी परिवार के अलावा बाहर से कोई बना अध्यक्ष तो टुकड़ों टुकड़ों में टूट जाएगी कांग्रेस, भारतीय राजनीति में वंशवाद नहीं है मुद्दा। अंधेरी रेलवे स्टेशन पर अचानक नीचे आने लगा ऊपर जा रहा एक्सीलेटर, वायरल हुआ है वीडियो। महाराष्ट्र के चंद्रपुर में ट्रक से टकराई तेज रफ्तार स्कॉर्पियो, 6 लोगों की मौत, 7 लोग घायल। मुंबई के अंधेरी इलाके में फटी हजारों लीटर पानी बर्बाद। औरंगाबाद में ओवरटेकिंग के विवाद में बस ड्राइवर की पिटाई, 2 आरोपी गिरफ्तार। अहमदाबाद में जोरों पर है ट्रंप के दौरे की तैयारियां, गुजरात के सीएम विजय रूपाणी ने अधिकारियों के साथ की समीक्षा बैठक। कोरोना वायरस की दहशत के चलते सूरत की ज्वेलरी इंडस्ट्री पर है असर, आयात में दिक्कत के चलते लगातार चढ़ रहे हैं सोने के दाम। 152 अंकों की गिरावट के साथ 41,170 पर बंद हुआ सेंसेक्स, निफ्टी में 45 अंकों की गिरावट। 2019 में फिल्मों की कमाई में 27% की हुई बढ़ोतरी, मंदी में लोकप्रिय माने जाने वाले लिपस्टिक इफेक्ट ने बढ़ाई है आमदनी। लॉन्च के 8 महीनों में ही एमजी मोटर्स ने पार किया 50,000 यूनिट्स का आंकड़ा, अब तक 20,000 गाड़ियों की डिलीवरी। इंडिगो लाई सस्ती हवाई उड़ान की पेशकश, 999 रुपए में मिलेगा सबसे सस्ता टिकट। मुंबई का अनबीटेबल ग्रुप अमेरिकी गॉट टैलेंट 2 का विजेता बना, मुंबई लौटते ही ग्रुप का जोरदार स्वागत। अतरंगी के फिल्म में सारा अली खान का होगा डबल रोल, अक्षय कुमार और धनुष के साथ करेंगी रोमांस। विकी कौशल की फिल्म भूत की स्क्रीनिंग में पहुंची कटरीना कैफ, दोनों में अफेयर होने की है चर्चा। छत्रपति शिवाजी महाराज पर 3 पार्ट में फिल्म बनाने का रितेश देशमुख ने किया ऐलान, सैराट के डायरेक्टर नागराज मंजुले करेंगे डायरेक्ट। अनन्या पांडे करेंगी साउथ के एक्टर विजय के साथ फिल्म, सोशल मीडिया पर अनन्या ने शेयर की है फैंस के साथ न्यूज। फिल्म अंग्रेजी मीडियम का नया गाना रिलीज हुआ, इरफान खान करीना कपूर की ये फिल्म 13 मार्च को होगी रिलीज। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओमकश्यप, हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।